महादेव और शिव शक्ति को लेकर भिड़ी कांग्रेस बीजेपी, बदला चुनावी माहौल। अमित शाह ने महादेव के नाम पर कांग्रेस को दिखाया आईना, मचा दिया हंगामा। शाह का आरोप आज बच्चा बच्चा कह रहा है भूपेश का लगवा रहे सट्टे पे सट्टा। सट्टे की सियासत में फंसी कांग्रेस को किसका होगा सहारा, अब कौन बनेगा कांग्रेस का पालनहार। सट्टे की दलदल में फंसती जा रही कांग्रेस के घाव लगातार गहरे होते जा रहे हैं। हर कोने से बीजेपी कांग्रेस को लेकर सवाल पर सवाल दाग रही है। हर हाल में चुनाव से पहले बीजेपी कांग्रेस को घुटनों पर लाने में जुटी हुई है और इस काम में सबसे अहम भूमिका निभाई है महादेव सट्टा ऐप ने, जिसकी वजह से कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर है। एक तरफ तो छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल पीएम मोदी पर सवाल दाग रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने भी छत्तीसगढ़ की कमान संभाल ली है। शाह ने जशपुर की जनसभा में ऐसी आग उगली कि पूरे कांग्रेस को तार तार करके रख दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ से कांग्रेस पर ऐसा हमला बोला कि हर कोई सकते में रह गया। सभी शाह के तेवर देख कर चौंक गए। जरा आप भी सुनिए कि किस तरह से शाह ने कांग्रेस के ऊपर सवालों की बौछार कर दी। जो मुख्यमंत्री है उन्होंने ढेर सारे घपले घोटाले हजारों करोड़, अंतर क्या होता है? केंद्र में मोदी जी की सरकार है, मोदी जी ने चंद्रयान भेजा चंद्रमा पर, तो वो पॉइंट का नाम शिव शक्ति पॉइंट देकर भगवान शंकर के श्रद्धा व्यक्त करने का काम किया। पर यहां कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने क्या करा? महादेव ऐप से जोड़ के सट्टा खोलने का काम करा। अरे भाई शर्म करो, सम करो, कम से कम महादेव को तो छोड़ देते। हजारों करोड़ रुपए का चावल भेजे उसमें घपला, आवास भेजे उसमें घपला, कोरोना का राहत भेजा उसमें घपला, हर गांव में आज बच्चा बच्चा कह रहा है सट्टे पे सट्टा, कौन कर रहा है? भूपेश कक्का, पूरा छत्तीसगढ़। अमित शाह ने कांग्रेस को घेरते हुए ऐसा चौतरफा हमला किया कि देखने वाले दंग रह गए। और अब महादेव सट्टा ऐप का मामला सामने आने के बाद से ही चुनाव में पहले से बढ़त बनाती दिख रही भूपेश बघेल की टीम अब कहीं ना कहीं जूझती हुई नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि मानो इस सट्टा कांड ने कांग्रेस के विजय की तरफ बढ़ते रथ को रोक कर रख दिया हो। हालांकि चुनाव का ऊंट किस करवट बैठेगा वो तो नतीजे आने के बाद ही पता चल सकेगा, लेकिन फिलहाल टक्कर कांटे की नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द ग्राउंड न्यूज।